टोटल निगरानी में हम लोगों के अभी संख्या बढ़ के 5100 हो गई है, जिसमें होम क्वारंटाइन में और रखे गए हैं, और 16 व्यक्ति अभी सदर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग लगातार चल रही है और देख रहे हैं हम लोग कि सिम्टम्स जिनको आते हैं उनको हम लोग आइसोलेशन में रखवा लें। बाकी कुछ व्यक्तियों की ये सूचना मिल रही थी कि होम क्वारंटाइन वाला एक दो व्यक्ति बाहर निकले पाए थे, सात व्यक्तियों का लगभग जांच कराई गई है, उसमें से दो वो भी शामिल थे जो बाहर से आए थे, दो लोगों की डेथ हुई थी, तो सबका निगेटिव आया है। अब सबका रिजल्ट आ गया है। आज एक व्यक्ति को उसको कुछ सिम्टम था, उसको भी जांच के लिए आज भेजा गया है, उसका कर रहे हैं हम लोग लगातार, जिनको भी जरा से भी संभावना रहती सिम्टम रहती तो जाँच के लिए भेजते हैं। क्योंकि जिले में ऐसे लोग जो यहाँ पे बेगर्स हैं और या जो हम लोग को सूचना मिल रही कई ऐसे मजदूर हैं राज्यों के हैं जिनका घर नहीं है, वो लोग फंसे हुए लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए व्यवस्था करने के लिए रहने और खाने के लिए आप राहत केंद्र खोले हुए हैं। और जहाँ पे किसी मजदूर जैसे कुछ पश्चिम बंगाल से मजदूर की सूचना मिली है उड़ीसा से, तो सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लाए गए हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये बनाए हुए कॉन्ट्रैक्टर से अनुरोध करें, उनको निर्देशित करें कि वो उनका खाने की व्यवस्था करें, उनके रहने की व्यवस्था करें। उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति है ऐसे कुछ कर रहे थे हैंड टू माउथ डेली वेज पे अपना खाना खा पा रहे थे, वैसे मजदूरों के लिए हम लोग करे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खोले हुए एक ज्ञान भारती स्कूल में अभी दो जगह, और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग और व्यवस्था कराएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अपने ज़िले में भूख से ना मरने पाए। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी जो बस स्टैंड वगैरह रेलवे स्टैंड पर जो बेगर्स वगैरह जो रहते हैं उनके लिए भी हम लोग NGO से अनुरोध किए, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं जो इस कार्य में तत्पर हैं, जो उसके द्वारा उनके माध्यम से वहाँ भी उनको खाने का पैकेट का वितरण उसमें कराया जाए।